जी इंशाल्लाह। मौलाना के बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कर्नाटक रियासती हज कमेटी का रुकन, हुकूमत कर्नाटक ने आपको नामजद किया है, इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं खुदा की बारगाह में शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उसने अपने घर की खिदमत के लिए अपने लुत्फ़ो करम से हकीर का इंतखाब किया, और जब अल्लाह की तरफ से ये लुत्फ़ो करम हमारे ऊपर हुआ है तो हम अपनी तरफ से ज़्यादा दिल लगाकर बड़ी मेहनत और दिलचस्पी के साथ कोशिश करेंगे कि इस कार्य खैर में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जितनी हमसे हो सकती है वो खिदमत अंजाम दें। सबसे पहले तो खुदा की बारगाह में शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर उनके नुमाइंदे ख़ास हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह में शुक्रिया अदा करता हूँ। और ज़ाहिर सी बात है कि खुदावंदे आलम किसी बंदे को खिदमत का मौका देता है तो दूसरे बंदों को खिदमत का वसीला करार देता है। जो हम तक यहाँ तक पहुँचने में वसीला करार पाए हैं, मैं उनमें से कुछ का ज़िक्र आपके सामने करना चाहूँगा। सबसे पहले तो सभी मोमिनीन के जिनकी दुआओं से हम यहाँ तक पहुँचे हैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। फिर उसके बाद हुकूमत कर्नाटक के सबसे बड़े वज़ीर आला जनाब सिद्दरामैया साहब का, और फिर नायब वज़ीर आला जनाब डी के शिव कुमार का शुक्रिया अदा करूँगा, और साथ ही साथ हज मिनिस्टर जनाब मुनीर जनाब रहीम ख़ान साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, और एन ए हारिस जो खुसूसी तौर पर उन्होंने हमारा तआवुन किया है उनका शुक्रिया अदा करूँगा, और ख़ुद एन ए हारिस साहब तक पहुँचने के लिए जो हजरात हमारी तारुफ का ज़रिया बने हैं कि हमारा नाम यानी हारिस साहब की खिदमत में पेश करें, तो उनमें से एक मौलाना अजहर हुसैन वक्फ बोर्ड मेंबर का नाम है, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और जनाब मीर इब्ने हुसैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, और इसी तरीके से जनाब रोशन अली साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने भी हमारा तारुफ एन ए हारिस साहब की खिदमत में पेश किया। इसी तरीक़े से जौहर अब्बास जो यूथ कांग्रेस कर्नाटका के मेंबर हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और मीर मासूम अली साहब का जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के मेंबर हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और साथ ही साथ जो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इनको भी फरामोश ना करें, यानी हमारी मुराद है जनाब ज़मीर अहमद साहब जो माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। क्या कोशिश रहेगी मौलाना, आपको ये अहदा हासिल हुआ है तो आपकी क्या कोशिश रहेगी, क्या सोच रहेगी आप? जज़ाकुमुल्लाह। सवाल तो आपका बहरहाल बेहतरीन है, ये सवाल आपका हमारी ज़िम्मेदारी की तरफ निशानदही करता है। हमारी तरफ से हत्तल इम्कान कोशिश रहेगी कि जो हुज्जाज इकराम हज के लिए तैयार होते हैं और जो नामज़द करते हैं या अप्लीकेशन फिल करके हज पे जाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम उनकी तादाद में इजाफ़ा करने की कोशिश करेंगे, उनके मुश्किलात को हल करने की कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सकता है यहाँ पर भी, और इंशाल्लाह जब खाने खुदा की ज़्यारत के लिए वहाँ पहुँचेंगे तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि किसी तरीके की कोई शिकायत उन्हें ना रहे, हर तरह की मुमकिन खिदमत हम उनके लिए अंजाम देते रहें। हज का जो मामला है खालिस खिदमत होनी चाहिए जी। यहाँ पर और भी अनासिर शामिल हो गए हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सफ़र पर के ताल्लुक से जो है गलत फ़ायदा उठाया जाता है चंद लोगों की जी जी जी। आज़मीन हज का या जज इकराम का इस्तेहसाल भी होता है, ऐसे भी मामला पेश जी। तो हमारी सभी मोमिनीन से और हमारे मुसलमान भाइयों से आजजाना और मुखलिसाना दरख्वास्त यही रहेगी कि किसी तरीके की ज़ातियात को इस कार खैर में शामिल ना करें,
इसलिए कि हज एक खालिस इबादत का नाम है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए होना चाहिए। तो इसका शुरू से लेकर हज के एक एक अरकान के अंजाम दही तक हमारी मद्देनज़र सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा ही होना चाहिए। तमाम तरह के ज़ातियात को अपने दिलों से निकालें, खालिसाना तौर पर अल्लाह की और उसके दीन की खिदमत को अंजाम दें। हज एक बहुत बड़ी इबादत का नाम है। रिवायात में यहाँ तक है कि एक इंसान तौबा करे और उसे शक हो कि उसकी तौबा कबूल हुई है या नहीं, तो जो लोग हज करके वापस आते हैं उनके चेहरे की तरफ़ देखे ताकि उसे यकीन हो जाए। इसलिए कि जो हज पे जाता है तो वो वापस आता है तो उसके सारे गुनाह मिट जाते हैं। बिल्कुल एक माँ के शिकम से बाहर आने वाले बच्चे की कैफियत उनकी हो जाती है, तमाम तरह के उनके गुनाह धुल जाते हैं। तो साथ ही साथ एक नसीहत, चूँकि हम एक तालिब इल्म हैं, एक आलिम दीन की हैसियत से हैं, तो एक नसीहत हमारी ये रहेगी कि हज के फरीज़े को भी एक लेबल के उनवान से अंजाम नहीं दें बल्कि एक इबादत ही के उनवान से इस फरीज़े को अंजाम दें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। जी, मैं सैयद मोहम्मद रज़ा आबिदी इस वक्त मस्जिद इमाम रज़ा यशवंतपुर में इमाम जुमा और जमात के फ़राइज़ को अंजाम दे रहा हूँ। मेरा बेसिकली ताल्लुक अलीपुर से है, जो कर्नाटका का एक ग्राम पंचायत के तौर पे इसे एक वतन माना जाता है। कितने सालों से आपकी? जी, मैं यशवंतपुर में 5 साल मुझे पूरे हो चुके। इससे पहले 4 साल मैं ख़ुद अपने वतन यानी कि अलीपुर में खिदमत अंजाम देता रहा मोमिनीन की। कहाँ से आप फारिग हुए? जी, मैंने इब्तदाई तालीम ख़ुद अपने वतन में हासिल की थी और फिर आला तालीम के लिए ईरान शहर मुक़द्दस क़ुम हमारा जाना हुआ और वहाँ से हमने आला तालीम हासिल करके फिर मोमिनीन की खिदमत के लिए अपने मुल्क लौटे हैं। नहीं, अभी तक तो तौफीक नहीं हुई। इंशाल्लाह मोमिनीन से दरख्वास्त है, वो हमारे हक़ में दुआ ज़रूर करें कि एक मौका हमें भी खाने खुदा की ज़्यारत का मैसर हो जाए और हम भी हज जैसी इबादत से मुशर्रफ़ हो जाएं। वाह, की सआदत अभी हासिल नहीं हुई, लेकिन आपको जो हज की हाजियों की खिदमत का मौका मिला। जी, ये भी बहुत बड़ी सआदत है। शायद हर अगर सही से हम लोग अंजाम दे सकें खिदमत को तो हर हज पे जाने वाले के सवाब में हम भी ज़रूर शरीक रहेंगे। किसी ना किसी तरीक़े से मोमिनीन हमें वहाँ याद करेंगे। तो हज तो ज़ाहरी तौर पर हमने अंजाम नहीं दिया है, लेकिन हज जैसे अजीम इबादत के सवाब में ज़रूर शरीक हैं।